पवित्र रमजान मास पूर्ण थता ज समग्र देश में ईद उल फित्रनी हर्षोल्लासपूर्वक उजवणी करवामां आवी छे। त्यारे अमदावाद साडणना विरोचननगर मुकामे ईदगाह खाते मुस्लिम बिरादरोए सामूहिक ईदनी नमाज अदा करी हती अने नमाज बाद देश में शांति सलामती अने भाईचाराणी भावना माटे प्रार्थना दुआ करीने एकबीजाने गळे मळीने ईदनी मुबारकबादी पाठवी हती। महत्वनुं छे के मुस्लिम बिरादरोनो पवित्र मास एटले रमजान महीनो, जेमां एक महीना सुधी मुस्लिम भाईओ अने बहनों पूरो महीनो खुदानी बंदगी साथे पवित्र रोजा राखता होय छे अने रात्रे तरावीने नमाज पढ़ता होय छे। रमजान मास पूर्ण थतानी साथे चांद देखाता बीजा दिवसे रमजान ईदनी उजवणी करवामां आवे छे। आ ईदने लोको मीठी ईदना नामे पण ओळखे छे। ईदनी खुशीने बमणी करवा माटे मुस्लिम बिरादरो घरे आવેલા મહેમાનોનું સ્વાગત ખીર અને મીઠી સેવૈયા ખવડાવીને કરે છે। ઉલ્લેખનીય છે કે વિરોચનનગરમાં હિન્દુ મુસ્લિમ હડીમડીને તહેવારની ઉજવણી કરતા હોય છે, જે કોમી એકતાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે। અસલામુ અલયકુમ વરહમતુલ્લાહ વબરકાતુહ। તમામ દેશવાસીઓ કો મેરી તરફ સે ઓર તમામ મુસલમાનો કી તરફ સે ઈદ કી બહોત બહોત મુબારકબાદ। जैसा कि हम तमाम के सामने था कि रमज़ान का मुबारक पवित्र महीना चल रहा था और तमाम मुसलमानों ने पूरे महीने के रोज़े रखे और तरावीह भी पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत भी की, अल्लाह की इबादत भी की। और आज रमज़ान मास पूरा होने पर आज ईद का दिन था, तो आज साणंद तालुका के विरोचन नगर गाँव की ईदगाह के अंदर सर्व मुस्लिम समाज ने मिलकर आज ईद की नमाज़ अदा की। और ईद की नमाज के बाद अल्लाह से दुआएँ की कि अल्लाह जिस तरह आज तूने खुशी दी है, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तमाम मौत तक खुशी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाए। और देश के लिए भी दुआएं की गई कि हमारे देश के अंदर अमन सुकून भाईचारा कायम रहे और देश के अंदर हम जो ईद का दिन जो प्यार मोहब्बत का प्रतीक है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, उस दिन के अंदर सारे मुसलमानों ने गले मिलकर आपस के सारे भेदभाव भूलकर, सारी गलतियां भूलकर, सारे इख्तलाफात भूलकर आपस में गले मिलकर खुशियां मनाई और सारे गलतियों को आपस में माफ़ कर दिया और एक दूसरे को गले मिलकर खुशियां बनाई, तो हिंदुस्तान के अंदर अमन सुकून शांति पैदा रहे। ये मेरा मैसेज है तमाम मुसलमानों से और यही काम हमें करना है कि आपस में भाईचारा कायम करने की मेहनत में लगना है मुसलमान, और मोहब्बत आपस में मोहब्बत करते रहना है, प्यार मोहब्बत की मेहनत करना है।